बिहार में शोक कही जाने वाली कोसी नदी से उत्पन्न बाढ़ संकट पर नियंत्रण और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया जिले के लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के उद्देश्य से बने पूर्वी कोसी मुख्य नहर में सिल्ट जंजाल बना हुआ है। दरअसल नेपाल सरकार ने समझौते के बाद वर्ष 1954 में सुपौल के भीमनगर के पास बांध बनाकर 41 किलोमीटर लंबे पूर्वी कोसी मुख्य नहर का निर्माण किया था, लेकिन लगभग 15 साल से नहर की उड़ाही नहीं हुई है। पूर्वी कोसी मुख्य नहर की स्थिति ऐसी है कि लगभग 90% हिस्से सिल्ट की जद में है और इस कारण से नहर से लाखों किसान समुचित सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। कशिश न्यूज की टीम ने नेपाल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित पूर्वी कोसी मुख्य नहर का 41 किलोमीटर तक जायजा लिया और इस दौरान नहर में जगह जगह सिल्ट ही सिल्ट देखने को मिला। किसानों ने कशिश न्यूज से बातचीत में न केवल जल संसाधन विभाग के उदासीनता की पोल खोल दी, बल्कि दुख दर्द बताते हुए सरकार से नहर की जल्द उड़ाही की उम्मीद की है। 54 आरडी के पास पहुंचे हैं, यह बलुआ पंचायत का इलाका है और यहाँ हम कोसी पूर्वी मुख्य नहर में मौजूद है। यह नहर का मध्य भाग है और मध्य भाग में आप देखिए कि नहर में फिल्ट्रेशन इतना अधिक है कि यहाँ जो है नहर का जो पुल बना हुआ है, पुल का पाया वगैरह भी जो है डूब सा गया है, फिल्ट्रेशन की जद में है और यहाँ पर जो है किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि 15-16 वर्षों से नहर की उड़ाही का काम ठप है। कितने दिनों से ये दिक्कत है? 20-25 साल से नहीं उड़ा हुआ। क्या सब दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, पानी का दिक्कत होती है, खेत में पानी नहीं जाता है, गाँव को सब्जी सूखा रहता है। खेती बाड़ी कैसे करते हैं आप? खेती बाड़ी बोरिंग से करते हैं। नहर का लाभ नहीं मिल? नहर का लाभ कुछ नहीं, साफ नहीं, जमीन नहीं, विभाग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। नहीं कुछ नहीं, साफ ही एकदम छा दिया, कुछ नहीं करते। आप बाबा कहाँ से हैं? मटियाई घर से। क्या सब परेशानी होती है? परेशानी यही होता है सर, जो नहर में पानी नहीं आता है, 10 फीट का चौड़ा पेट बच गया है, बाकी तो भथा गया है, कहीं पानी का उपदेश नहीं है, कहीं पानी नहीं पास करता है, नदी से पानी बाहर निकलता भी नहीं है। नहीं निकलता है। किसान कैसे खेती करेगा, कैसे कोई चीज़ का सिंचाई उंचाई करेगा, कुछ साधन नहीं है। सरकार से उम्मीद यही करते हैं जो नदी को साफ़ सुथरा कीजिएगा, उड़ाही होगा तो पानी बाहर निकलेगा तो हम लोग को जान बचेगा, फसल होगा। अभी तो जितना भी फसल होता है बिल्कुल फसल मशीन से होता है, मशीन का सिंचाई भी बहुत महंगाई पड़ता है, किसान कैसे जीवित रहेगा। यहाँ और भी कुछ किसान लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी किसान हैं, आप क्या कहेंगे बाबा, क्या सब परेशानी होती है? परेशानी सब कुछ है, नहर भरा हुआ है, इसे पानी नहीं जाता है, सिंचाई में सब बोरिंग से बिजली से पानी पटाता है, यही सब बात है। नहर नहीं भले सिंचाई अथी सफाई नहीं मिले सफाइया नहीं। तो देखिए यहाँ किसान बता रहे हैं कि 10-15 साल पहले जो है नहर की उड़ाही कराई गई थी। कई ऐसे जगह हमें देखने को मिला है जहाँ कई जगहों पर वृक्ष और बड़े बड़े पेड़ पौधे तक उग आए हैं और किसानी को तरस रहे हैं, सिंचाई का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। यदि सरकार और जल संसाधन विभाग इस ओर ध्यान दे, नहर की उड़ाही का काम हो तो निश्चित तौर पर लाखों किसान लाभान्वित होंगे, सिंचाई का काम होगा और किसान भी खुशहाल होंगे। सुपौल से सहयोगी मनोज के साथ विष्णु गुप्ता। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।